हूँ, लेकिन सच तो यह है कि जिस पार्टी को जब मौका मिलता है वो उस दूसरे नेतृत्व को इस्तीफा देने के लिए कह देता है। अब कायदे से तो बीजेपी भी ये कह सकती है विनय जी कि भाई आपके जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हालात खराब हुए हैं कोरोना को लेकर, ममता बनर्जी को भी दे देना चाहिए था इस्तीफा, क्योंकि उसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनको ओथ सेरेमनी अब तो वो दूसरी बार तीसरी बार लेने जा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इस्तीफा देना और लेना एक दूसरे की, ये भी आप लोगों की एक राजनीतिक परंपरा सी हो गई है। मेरे साथ अशोक वानखेड़े जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इन पूरे मैंडेट के बाद जो जबरदस्त मैंडेट मिला है टीएमसी को और ये जो आंकड़ा हुआ है बीजेपी के लिए 371 का, बीजेपी के लिए इसमें सीख क्या है कि इतना सब कुछ झोंकने के बाद भी वो अगर ये आंकड़ा छुपाते हैं और टीएमसी को बीजेपी की पिच पर आकर अगर राजनीतिक प्रचार करना पड़ता है, ऐसे में उसके लिए चुनौतियां आगे किस तरह की हैं? देखिए, मुझे तो लगता है हम मीडिया वालों को ज्यादा सीखने की जरूरत है इस सारी चीजों से। बीजेपी जहां भी जाती है और जब टारगेट देती है कि 200 पार, 100 पार, 150 पार, 400 पार, 300 पार, ये जो पार वाले आंकड़े होते हैं उनका वॉर क्राय होता है। जैसा युद्ध के दौरान अपने सिपाहियों को जोश भरवाने के लिए नारे लगते हैं, वैसा ही आंकड़े। मैं आपको रोक रही हूँ, हम रिजल्ट लाइव रिजल्ट हब पर चल रहे हैं। हमारे साथ सईद, हमारे सहयोगी हैं कुछ अपडेट के साथ। सईद, एकदम देखिए, मैं अभी इधर खड़ा हूँ। मैं अभी अब जो भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, न्यूज 18 नेटवर्क, उसका सबसे बड़ा इलेक्शन हब में खड़ा हूँ और हम यहाँ से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे, यही हमारा दावा था और इसी दावे पे हम हैं। अभी आप हमको बता दें कि नंदीग्राम लेके कन्फ्यूजन हुआ था, कौन जीता नंदीग्राम में। अभी मैंडेट क्लियर है, ममता बनर्जी खुद ये मैंडेट मान चुकी है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लास्ट राउंड में जाके प्राय 1600 वोट से जीत चुकी है, 1600 वोट्स, और इसी वोट से वो जीत चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी कहा है कि उनको लगता है कि नंदीग्राम में कुछ हुआ है, कोई फॉल्ट है, अगर चाहती है तो वो कोर्ट भी मूव करेगी। ये अभी ब्रेकिंग न्यूज है, ये अपडेट हमारा पास आया है, पर मैंडेट काफी क्लियर है। मैं आपको मैंडेट बता देता हूं, टीएमसी अभी तक फाइनल जो मैंडेट है 163 सीट्स में टीएमसी जीत चुकी है, बीजेपी 46 सीट्स पे जीत चुकी है, मोर्चा ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अब ध्यान दीजिए, बीजेपी जो 2016 में कोई सीट, तीन सीट मिली थी जिसको, जिस पार्टी को, वो अभी 46 सीट्स मिल चुके हैं बंगाल में। मैंडेट तो काफी क्लियर है, 163 में विन है टीएमसी का, मैजिक फिगर क्रॉस कर चुकी है। पर ये मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट, इनका जो ये मोर्चा, आईएसएफ तो नया पार्टी है, पर लेफ्ट और कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम ममता बनर्जी वाली सीट से, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि कितने वोटों से जीत का मार्जिन रहा है शुभेंदु अधिकारी के लिए। देखिए, काफी कुछ मार्जिन, काफी कुछ मीडिया में फैला हुआ है, पर हमारा पास जो न्यूज आया हुआ है हमारा रिपोर्टर से, 1662 वोट की मार्जिन है, 1662, ये हमारा पास आया हुआ है। और 1662 वोट से लास्ट राउंड में, एकदम लास्ट राउंड में जाके शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की। आपको मैं याद दिला दूं, यही शुभेंदु अधिकारी इलेक्शन का पहले एक चैलेंज रखा था कि चैलेंज ये है कि वो 50,000 वोट से ममता बनर्जी को हराएंगे, पर वो तो फिलहाल हुआ नहीं है, वो जीता है, मैंडेट उनका लिए आया है। पर ये सुबह से हम लोग देख रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी लीड कर रही है। ये नंदीग्राम एक बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि इसी नंदीग्राम को हथियार करके 2011 में ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री बनी थी पश्चिम बंगाल का। तो अभी जो है क्लियर मैंडेट है, शुभेंदु अधिकारी हैज वन नंदीग्राम, नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का है, 1662 वोटों से वो जीत गए हैं, ये आप बता रहे हैं। सईद, हमारे रिजल्ट हब से, लाइव रिजल्ट हब से हमारे साथ जुड़े थे। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही सर ये भी बताइएगा कि इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को, चुनाव की तरह नहीं एक आंदोलन की तरह ममता बनर्जी ले रही थी और उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि आंदोलन में कुछ खोना भी पड़े तो खोया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मैटर करता है आपकी जीत वो हुई और नंदीग्राम के हार को वो उस आंदोलन में कुछ चीजों के खोने जैसा मान रही हैं। देखिए, ये जो चुनाव हुए ये ऐतिहासिक चुनाव थे, ये सारी दुनिया कह रही है। आज हम भी पूरे दिन भर पांच राज्यों में सिर्फ तमिल इस पे ही क्यों चर्चा कर रहे हैं, बंगाल पे तो क्लीन स्वीप के रिजल्ट है, जैसे तमिलनाडु पे
लेकिन हम चर्चा बंगाल पे कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के रिजल्ट एक नई दिशा आने वाले राजनीतिक को दे रही है। जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, सवाल ये भी है कि 42 सीट्स है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स आती है, और आज के डेट में यदि आपको लोकसभा में 2024 के ऊपर फोकस करना है तो बंगाल पे कंट्रोल किसी हालत में चाहिए, इसलिए पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि पहले मुझे जिता दिया फिर मुझे हरा दिया। देखिए ममता बनर्जी ये कोई पहली बार इलेक्शन कमीशन पे निशाना थोड़ी साध रही हैं, पूरे चुनाव भर यही करती रही। लेकिन अगर नंदीग्राम के लोगों ने ममता बनर्जी को हराने की ठान ली तो ये वही परिणाम है। इसमें इलेक्शन कमीशन को दोष देने का कोई फायदा नहीं। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहने का उनका मौलिक अधिकार इस नंदीग्राम के हार के बाद खत्म हो गया है। अगर वो फिर भी मुख्यमंत्री बनी रहती हैं तो कहीं ना कहीं उन पर उनके आचरण पर सवाल उठना स्वाभाविक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब उन्हें अगर दोबारा ओथ लेने की बात आती है तो उन्हें खुद ही उस पर नैतिकता के आधार पर नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो उनका निर्णय है, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो एक कद होना चाहिए वो इस हार के बाद कम हो गया है। लेकिन नैतिकता का जो तकाजा है वो तो ये भी बताता है कि आप लोग लगातार जिस तरह से सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री और आपने तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को उतार दिया था और 200 प्लस का नारा दे रहे थे, उस हिसाब से तो आप लोग कहीं नहीं ठहरे। देखिए पिछले असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, इस बार कम से कम 80-85 विधायक बंगाल की असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। जिस प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा वहां पर हम आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है और कोई दूसरा ऑपोजिशन दल नहीं है। आज बंगाल की राजनीति के 2 ध्रुव है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तृणमूल कांग्रेस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है बंगाल की राजनीति में और ये भाजपा की वजह से है। तो भाजपा की जीत को आप कम आंकने का अगर गलत प्रयास करेंगी तो शायद 5 साल बाद इसका जवाब बंगाल की जनता देगी। और आप लोग तो इसी बार सोच रहे थे कि इस बार जवाब दे देगी टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ विनय जी का। विनय जी, अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब तो